खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर कहा कि उन्होंने गुंडागर्दी की भाषा का इस्तेमाल किया जो राजनीति में कहीं भी स्वीकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में कोई पटोले का पूरा नाम नहीं जानता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार को बनाने वाली कांग्रेस नहीं, उन्हें देश की जनता ने बनाया, ये लोग कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस से भी सफाई मांगी। देखिए, महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष ने जो पटोले हैं, कोई नाम है उनका, उन्होंने गुंडागर्दी की भाषा का प्रयोग किया है जो कहीं भी राजनीति में स्वीकार्य नहीं है। वो उग्रपंथी की बात कर रहे हैं, जबकि ये भी देश जानता है कि अमिताभ बच्चन को बनाने वाला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, अक्षय कुमार को बनाने वाली कांग्रेस नहीं है, सचिन तेंदुलकर साहब को, हमारे लता दीदी को इस देश की जनता ने बनाया है, सर पे बिठाया है उनकी कला के कारण। और ऐसे में ये बयान देना, जैसे लगता है कि ये लोग समझते हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, चुल्लू भर पानी में साधना कर लेनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी तुरंत इस विषय पे आकर के देश को सफाई दें कि वो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के साथ हैं या नहीं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष ने फिल्मी हस्तियों को संबोधित करते हुए ट्वीट किया था कि ये लोग बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ट्वीट नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति फसल जलाने की बात करता हो, वो कैसे किसान हो सकता है। आप स्वयं सोचो कि जो फसल जलाने की बात करे वो कैसा किसान नेता, और आप फसल जलाने की बात करते हो तब ये देश, राकेश टिकैत जी, मैं बड़ी विनम्रता से बोलता हूँ ना, आपको अब ये किसान नेता माने कि नहीं, इस पे संदेह खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि गत दिवस एक जनसभा को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर सरकार नहीं मानी तो वो अपनी फसलों को आग के हवाले कर देंगे।